हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की छोटी बदल हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप लोगों को याद हो कि लास्ट एपिसोड के दिन हम लोग को विलेज मिला था और मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा माइनक्राफ्ट किया ये वर्ल्ड खेला है। और उसके अंदर हम लोग को इस ये विलेज के अंदर चार चार लाइब्रेरीज है गाइस लिटरली। एंड इस घर को मैंने अपना घर बना लिया था, इसके मैंने अपना सारा सामान रख दिया है गाइस। एंड अभी हम लोग माइनिंग पर जा रहे हैं, दोबारा से माइनिंग पर जाने वाले। मैंने एक थोड़ी सी केव बनाई है अपने लिए, लोग माइनिंग करने वाले हैं। अरे ये बेचारे ज़ॉम्बी पर जुल्म हो रहा है गाइस, मैंने ज़ॉम्बी को बचा लिया, थैंक यू ज़ॉम्बी। अरे ये चेन लिंक वाला ज़ॉम्बी तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। यस भाई, हम लोग को एक और रेयर चीज़ मिल गई, थर्ड रेयर चीज़ इस गेम के अंदर, क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ माइनिंग का टाइम पर मिली है, जो कि गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड अभी इसको मार देते हैं, सॉरी चेन लिंक वाले रेयर ज़ॉम्बी, तुम्हें मारना पड़ा। एंड ये वो जगह है जो पर हमारी केव है, ये इसके अंदर, ये केव के अंदर एक बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है गाइस। उस चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं तोड़ने वाले, जब हमारे पास सिल्क टच हो जाएगा तब हम लोग उस चीज़ को तोड़ने वाले हैं। ये रही वो चीज़, डीप स्लेट कोल। यस गाइस, जैसे ही मैं डीप स्लेट लेवल पर हूँ, जब वैसे ही मुझे डीप स्लेट कोल मिल गया। यहाँ पर हमको डीप स्लेट आयरन भी मिल जाएगा, जो कि इतना रेयर तो नहीं एयर, इतना भी रेयर नहीं है, लेकिन डीप स्लेट कोल इज प्रीटी रेयर भाई साहब। यहाँ पर तो ढेर सारा ही है, अभी तक तीन रेयर चीज़ें मिल चुकी हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो क्या ये लकी वर्ल्ड है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना ज़्यादा आयरन एक साथ, नो वे यार, हो रहा है यहाँ पर। और आयरन मिल गया, और भी माइनिंग के टाइप पर बस एक और चीज़ है जो रेयर है, जो कि डीप स्लेट एमरल्ड, जो कि हम लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। नहीं भाई, मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, मुझे पंगा लेना है ही है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मरना ही नहीं। जस्ट बचे मरते मरते, हम लोग को ज़्यादा डायमंड -58 पर, ये दोनों बेस्ट लेवल होते हैं माइनिंग के लिए, डायमंड के लिए। लेकिन मैं -58 से ज़्यादा -56 पर माइनिंग करने पर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़्यादा डायमंड मिल जाते हैं। 30 आयरन हो चुका है, जिससे हम लोग अपने लिए एक आर्मर बना सकते हैं आयरन का, एक स्वॉर्ड बना सकते हैं, एक पिकेक्स बना सकते हैं, और 3 चेस्ट में पड़ा हुआ है बना सकते हैं, ये 3 ही 2 मेरे पास चेस्ट में पड़ा हुआ है। अरे तुमको और आयरन मिला क्या? हम लोगों को कौन सा ज़्यादा पसंद है, पहले जैसे होना था वैसे या जैसे अभी हो गया हुआ आयरन? अरे भाई मगर डायरेक्शन गलत मिल गया भाई, डायरेक्शन नहीं मिलती, तुम्हारा डायरेक्शन मिलेगा, जा रहे हो भाई डायरेक्शन का वजह से ही जा रही है अभी तक। लेकिन जो डायरेक्शन अभी तक सही जा रही थी ना, उसके अंदर तो वो केव आ गई, तो मेरे को डायरेक्शन में छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन हम लोग बाद में उस केव को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं लेटर एपिसोड्स के अंदर। वैसे देखा जाए तो हमारी प्रोग्रेस बाय डायमंड, प्रो डायमंड मिल भी गए,
21 कैरेट यार, डायमंड इससे जल्दी ऐसे मिल गए। अगर तुम लोग रिकॉर्ड स्टोन भी ऐसे बना लेते बता है मुझे भाई, ये डायमंड एक्स कोर्स से माइन नहीं कर सकते भाई, तो ये गलती ना कर जाना भाई। नहीं बना लेते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को ये मिल जाए फिर भी हम लोग -5, 58, 56 पर सो जाएंगे। एक डायमंड, तीन तो यार एटलीस्ट दो, अरे दो ही दिए यार, बोला ही तीन दो वैसे ही दो दे। अरे व्हाट, मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये वर्ल्ड ना काफ़ी ज़्यादा लकी है भाई, ये जनमन वर्ल्ड है यार। और भाई हो गए तीन, तीन हो गए, ने हमारी डायरेक्शन बदली और उसने हमें बताया कि सही में जाओ, यहाँ पर तीन डायमंड है उसको ले लो। माइनक्राफ्ट को माइनक्राफ्ट के अंदर वाटर बॉटल ऐड करने चाहिए यार। माइनक्राफ्ट मतलब देखो, हम लोग रियल लाइफ के अंदर सिर्फ फूड थोड़ी खाते हैं, वाटर मोस्ट यूजफुल थिंग, ठीक है। मैं तो खाना जो तक खा लो भाई, पानी तो पीना ही होता है ना। तो मेरे हिसाब से माइनक्राफ्ट को लाना चाहिए यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इससे। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे रिवर्स और ओशन वगैरह, थोड़ी सी इज्जत की और बनती। -58 बार चुके हैं, चुके हैं गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बड़बड़ से इस तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे डायमंड गोल्ड गोल्ड एरोड स्टोन मिलने के बाद। तुमको प्रो टिप देता हूँ माइनिंग की, आप लोग पहले तो ऐसे कर लो इसको, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इसको माइन कर लो, जैसे ये वहाँ तक माइन हो सके। उसके बाद आपको बता रहा हूँ आगे ब्लॉक्स के अंदर कुछ डायमंड गोल्ड स्टोन वगैरह है। और ये देखो जब माइन करने आते हैं, हमारे माइनक्राफ्ट का फर्स्ट ब्लड स्टोन इस वर्ल्ड का आ चुका है हमारे पास फाइनली, इसको फाइनली माइन करते हैं बड़े बड़े। एंड यार ये जो कहते हैं ना, मुझे तो कैसे अभी तक सीरियसली बताऊँ तो एक दफ़ा भी नहीं मिले डायमंड्स के आस पास रेड स्टोन। जो भी कहते हैं ना डायमंड का रेड स्टोन होता है, सारा पूछना उसको कब मिला, ठीक है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा रेयरली मिलता है मेरे हिसाब से तो। कहाँ से कहाँ लेकिन अभी तक हम लोगों को डायमंड नहीं मिल रहा है, तो -56 पर चलते हैं। चलते हैं यहाँ पर अपने डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम लोग। तीन जो हम लोग को मिल सके उनके तो हम लोग फॉर श्योर पिकैक्स बनाएंगे। नेदर के अंदर जाना है वो गाइस, आप तो मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है कि बेडरॉक वर्जन मोबाइल का जो है उसके ऊपर एडवांसमेंट्स कैसे देखते हैं।
यार ये वाले डायरेक्शन दो ना कभी ज्यादा ही लगी थी। इधर बस हम लोगों को रेड स्टोन मिले थे। इतनी ज्यादा माइनिंग के बाद हम लोगों को मिला है लैपिस लजूली, यानी कि हमारी गेम का फर्स्ट लैपिस लजूली था। और ये देख फर्स्ट बेडरॉक भी देख, हमारी गेम का फर्स्ट बेडरॉक। और माइनिंग करने वाले भी उस डायरेक्शन में, तो हम लोगों को कोई खास मिला नहीं। हमारी केक्स भी टूट गई। यार ये देखो ना डायमंड्स की बात जो है ना वो ये है कि तो ये किस्मत की बात है भाई। देखो अभी तुम किसी एक लाइन के अंदर डायमंड माइन कर रहे होगे, वो तुम्हारी किस्मत है कि किस लाइन के अंदर निकले। वो हो सकते हैं तुम्हारे बिल्कुल साथ वही लाइन में डायमंड्स हो, लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो उस काम के अंदर। इसके अंदर तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है कि वो तुम्हारी साइड वाली लाइन के अंदर डायमंड। डायमंड नहीं मिल रहा यार, डायमंड यार मिल रहा। कितना अभी तक मैंने फाइंड कर लिया है ना, अभी तक तो यार मिल ही जाने चाहिए सब डायमंड। ऐसी हमारी लास्ट जर्नी, इसके बाद मैं जाने वाला हूँ ऊपर। बहुत ज्यादा टाइम हमारा सफर के बाद हम लोग वापसी कर रहे हैं। एंड आज मुझे ये हम लोग सो जाते हैं उठ उठते हैं, यहाँ पर अपने बेड लगा लेते हैं। अभी हम लोग आज यहाँ से निकलते हैं और एक कभी ज़्यादा मीडियम सी सफ़र के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं ऊपर। फाइनली हम लोग बाहर निकल आ गए हैं अपनी माइंड से इतने टाइम बाद। और भाई विलेजर्स कैसे हो यार, सब लोग ठीक ठाक हो? मेरे बाद गांव के अंदर सब कुछ सही रहा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? ऊपर जाकर एक चेस्ट बनाते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम अपनी चेस्ट को। नहीं यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे चेस्ट को। इसके अंदर हम लोग अपना सारा बिल्डिंग का सामान बिल्कुल डाल देते हैं, जितना भी हमारे पास सामान है। एंड इतना बिल्डिंग का सामान देखकर मुझे लग रहा है अभी नेक्स्ट एपिसोड की तरह आप लोग को तो मिल जाएंगे। हम लोग अपना घर बनाने वाले हैं गाइस, सामान मिला था और रख देते हैं। बहुत ज़्यादा ही ठीक ठाक से माइनक्राफ्ट के एपिसोड के बाद जिसके अंदर हम लोगों ने माइनिंग की। मिलते हैं आप लोगों से किसी और एपिसोड के अंदर। Till then, okay, goodbye and Allah Hafiz.